नमस्कार, मैं डॉक्टर तरन्नुम बानो, जयप्रकाश विश्वविद्यालय के अधीन महेंद्र महिला कॉलेज में हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। मैंने अपने पिछले वीडियो में सगुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा की दोनों धाराएं राम भक्ति धारा एवं कृष्ण भक्ति धारा पर विस्तारपूर्वक चर्चा किया था। आज के इस वीडियो में मैं निर्गुण भक्ति धारा की धारा ज्ञान मार्गी धारा पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और याद कीजिए। धन्यवाद। आज ऑनलाइन कक्षा संचालन में प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा पेपर एक के अधीन पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल की निर्गुण भक्ति धारा पर विचार करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा के अंतर्गत विशेषकर ज्ञानेश्री काव्य धारा, ज्ञानेश्री धारा के प्रमुख कवि तथा ज्ञानेश्री या संत काव्य धारा की प्रमुख विशेषताओं पर विस्तार से विचार करेंगे। निर्गुण भक्ति धारा भक्ति काल के प्रमुख धाराओं में से एक धारा है। निर्गुण धारा के कवि ईश्वर के निराकार रूप की उपासना करते हैं। निर्गुण मत के इष्ट कृपालु, दयालु, सहृदय एवं करुणाकर है। वे मानवीय भावनाओं से युक्त है, किंतु वे सगुण भक्त के ईश्वर के समान न अवतार लेते हैं और न ही लीला करते हैं। निर्गुण भक्ति धारा के दो उपधाराएं हैं, ज्ञान मार्गी धारा जिसे संत काव्य धारा भी कहते हैं तथा प्रेम मार्गी धारा जिसे सूफी काव्य धारा कहते हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कबीर दास हैं तथा प्रेम मार्गी धारा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं। भक्तिकाल के विषम राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों में संत मार्गी कवियों ने अपने ज्ञान व अनुभव से लोगों में आशा की ज्योति जगाई। उन्होंने तत्कालीन धार्मिक मान्यताओं को अपने जीवन के व्यापक अनुभव के आधार पर जन सामान्य के लिए बोधगम्य कराया। सभी संत कवि वर्णवादी समाज को तोड़कर मानवतावादी समाज की स्थापना की ओर प्रयत्नशील रहे। संत कवि पांडित्य परंपरा और पुस्तकीय ज्ञान के वाद विवाद को व्यर्थ मानते हैं। उनके काव्य में अनुभूति की निश्चलता एवं शिल्प की अनगढ़ता मिलती है। संत शब्द का प्रयोग प्रायः पवित्रात्मा परोपकारी व सज्जन व्यक्ति के लिए किया जाता है। संत काव्यधारा में संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। हिंदी में संत कवि से अभिप्राय कबीर आदि निर्गुण उपासक ज्ञान मार्गी कवियों से है। संत कवि ईश्वर से तादात्म्य करने के लिए नामोपासना की पद्धति को स्वीकार करते हैं। इसे ये कवि राम, खुदा, रहीम, ब्रह्म आदि अनेक नामों से पुकारते हैं, किंतु सबका लक्ष्य परम तत्व का साक्षात्कार करना है। कबीरदास जैसे संतों की परंपरा का सूत्रपात 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध काल में हुआ था। वस्तुतः संत परंपरा की विचारधारा के अनुकूल भावभूमि बहुत पहले से ही तैयार हो रही थी। पूर्व में बौद्ध धर्म वज्रयान एवं सहजयान में परिणत हो गया था। वैष्णव संप्रदाय और उसमें कई बातों का आदान प्रदान हुआ। इसी प्रकार का वैचारिक सामंजस्य नाथपंथ एवं स्थानीय वैष्णव संप्रदाय के मध्य महाराष्ट्र तथा राजस्थान में देखने में आया। इस प्रभाव के फलस्वरूप पूर्व की ओर से संत जयदेव, दक्षिण की ओर से संत ज्ञानदेव एवं नामदेव, पश्चिम की ओर से संत बेनी एवं सदना,
तथा कश्मीर की ओर से संत ललदेव का आविर्भाव स्वामी रामानंद से पहले ही हो चुका था। आगे चलकर कबीर आदि संतों की दीर्घ परंपरा हिंदी में चली, अनेक पंथों की स्थापना हुई। इनमें नानक देव के पंथ के अतिरिक्त दादू दयाल के दादू पंथ, हरिदास के निरंजनी संप्रदाय, मलकुदास के मलकू पंथ तथा कबीरदास के नाम पर कबीर पंथ बनकर तैयार हो गए। संत परंपरा का प्रथम युग जयदेव से आरंभ होता है और उसके बाद 200 वर्षों तक संत अधिकतर पथ प्रदर्शकों के रूप में आते दिखाई देते हैं। 15वीं शताब्दी में कबीरदास ने संत मत के निश्चित सिद्धांतों का प्रचार प्रसार किया। आचार्य शुक्ल ने इन्हें ही निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक माना है। अब हम ज्ञानश्री काव्यधारा के प्रमुख कवियों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम संत नामदेव को जानेंगे। इनका जन्म 1267 ईस्वी में महाराष्ट्र के सातारा के निकट के गांव में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि नामदेव पहले सगुण उपासक थे, बाद में संत ज्ञानेश्वर के प्रभाव से निर्गुण भक्ति की ओर प्रवृत्त हुए। मराठी में रचित अभंगों के अतिरिक्त हिंदी भाषा में भी इनकी रचनाएं उपलब्ध है। सदुकड़ी भाषा में रचित इनकी रचनाओं में निर्गुण उपासना, कर्मकांड का खंडन तथा ब्रह्म का स्वरूप निरूपण किया गया है। संत नामदेव छीपा दर्जी थे। वे गज, कैंची एवं सुई धागे के माध्यम से ही भक्ति रहस्य उद्घाटित करते थे, जिसे जन सामान्य आसानी से समझ जाते थे। अब हम संत काव्यधारा के प्रमुख कवि कबीरदास पर विचार करेंगे। कबीरदास के जन्म काल, जीवन, मृत्यु तथा जीवन के प्रसिद्ध घटनाओं के संबंध में अनेक किंवदंतियां प्रसिद्ध है। जनश्रुति के अनुसार इनका जन्म काशी के एक विधवा ब्राह्मणी के घर में हुआ था। लोकलाज के भय से वह उन्हें एक तालाब के निकट छोड़ आई। इनका पालन पोषण नीरू और निम्मा नामक जुलाहा मुस्लिम दंपति ने किया। कबीर की पत्नी का नाम लोई था, उसके पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली का उल्लेख मिलता है। कबीर के प्रधान शिष्यों में धर्मदास ने उनके वाणी का संग्रह किया। ऐसा माना जाता है कि कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी में मगहर जिला बस्ती में हुई। रामानंद इनके दीक्षा गुरु थे। कबीर के काव्य पर वेदांत का अद्वैत नाथपंथियों की रहस्य भावना, हठ योग, कुंडलिनी योग, सहज साधना, इस्लाम का एकेश्वरवाद आदि सभी का प्रभाव मिलता है। कबीर के राम निराकार है, किंतु वे मानवीय भावनाओं के आलंबन है। कबीर ने अपने भक्ति के बल पर अपने युग की ढोंग, आडंबर, कर्मकांड, अमानवीयता, हिंसा आदि मिथ्याचार को चुनौती दी तथा समाज में धार्मिक जातिगत एकता की भावना पर बल दिया। कबीर की वाणी का संग्रह उनके अनुयायियों ने बीजक नाम से किया। कबीर साहसपूर्ण जन बोली के शब्दों का प्रयोग अपने कविता में करते थे। इसी ठेठ प्रयोग के कारण उन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा जाता है। कबीर तथा अन्य निर्गुण संतों की उलटबासियां प्रसिद्ध है। कबीर गहरी मानवीयता एवं सहृदयता के कवि है। अब हम संत काव्य धारा के कवि रैदास पर विचार करेंगे।
संत रैदास अथवा रविदास के जीवन काल के तिथि के विषय में कुछ निश्चित रूप से ज्ञात नहीं होता। रैदास रामानंद के 12 शिष्यों में से एक थे। यह भी कहा जाता है कि मीराबाई रैदास की शिष्या थी। रैदास की कविता में सामाजिक विषमता के प्रति विरोध का भाव है, किंतु उनका स्वर कबीर के जैसा आक्रामक नहीं है। रैदास की कविता की विशेषता उनकी निरीहता है। वे अपनी कविता में बार बार अपने को चमार कहकर संबोधित करते हैं। रैदास काशी के आसपास के थे। आदि ग्रंथ में इनके कुछ पद मिलते हैं, जैसे अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। अनन्यता भगवत प्रेम दैन्य आत्मनिवेदन सरल हृदयता आदि इनकी रचनाओं की विशेषता है। रैदास की भाषा प्रवाहमयी तथा गेयता से युक्त है। अब हम संत कवि गुरु नानक पर विचार करेंगे। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में तलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ। इनकी मृत्यु 1531 ईस्वी में हुई। इन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों की धार्मिक उपासना पर बल दिया। वर्णाश्रम व्यवस्था एवं कर्म कांड का विरोध करके निर्गुण भक्ति का प्रचार किया। गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन किया। इनके रचनाओं में धार्मिक विश्वास, नाम स्मरण, एकेश्वरवाद, परमात्मा की सर्वव्यापकता, विश्व प्रेम, नाम की महत्ता आदि का परिचय मिलता है। इनका अधिकांश साहित्य पंजाबी में है, किंतु ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली का प्रयोग भी मिलता है। गुरु नानक के ही परंपरा में उनके उत्तराधिकारी गुरु कवि हुए 10वें गुरु गोविंद सिंह ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब हम संत कवि दादू दयाल पर विचार करेंगे। दादू पंथ के प्रवर्तक दादू दयाल का जन्म गुजरात के अहमदाबाद नगर में 1544 ईस्वी में माना जाता है। इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में जयपुर के निकट के गांव में हुई। दादू को परम ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तक माना जाता है। बाद में इसे दादू पंथ के नाम से संबोधित किया गया। निर्गुण भक्त होने पर भी इन्होंने सगुण स्वरूप को मान्यता दी। दादू की बाणी में ईश्वर की सर्वव्यापकता, सदगुरु महिमा, आत्मबोध आदि का निरूपण हुआ है। इनके रचनाओं में गुजराती, पंजाबी, सिंधी तथा अरबी फारसी के काफी शब्द आए हैं। उनके प्रधान शिष्य रज्जब थे। दादू दयाल के पश्चात अब हम अन्य ज्ञानेश्वरी कवि सुंदरदास, मलकुदास एवं रज्जब पर विचार करेंगे। सुंदरदास निर्गुण संत कवियों में सुंदरदास सबसे अधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित थे। उनके गुरु दादू दयाल थे। वे दादू के सिद्धांतों का प्रचार करते हुए काव्य ग्रंथों की रचना किया करते थे। इनके 42 ग्रंथ माने जाते हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध सुंदर विलास है। मलकुदास मलकुदास का जन्म इलाहाबाद के कड़ा नामक ग्राम में 1574 ईस्वी में हुआ। 106 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु औरंगजेब के समय हुई। निर्गुण मत के इस प्रसिद्ध संत की गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार और करामते प्रसिद्ध है। मलकुदास के प्रामाणिक ग्रंथ है ज्ञानबोध, ज्ञान परोची, राम अवतार लीला, रत्न खान आदि।
जिनमें ज्ञानबोध और रत्नखान दो प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। आत्मबोध और वैराग्य मलकुदास की कविता की विशेषता है। इन्होंने अवधी और ब्रज भाषा में काव्य रचना की। इनकी भाषा में अरबी फारसी के शब्दों का प्रयोग मिलता है। रज्जब। रज्जब दादू के शिष्य थे। ये राजस्थान के थे। इनकी कविताएं भाव संपन्न, साफ और सहज हैं। भाषा पर राजस्थानी प्रभाव अधिक है और इस्लामी साधना के शब्द भी अपेक्षाकृत अधिक है। प्रेम रस को रज्जब ने अपनी कविता में विशेष स्थान दिया है। निर्गुण संतों के ज्ञानाश्री शाखा के अन्य प्रसिद्ध संतों में कवि अक्षर अनन्य, जम्बनाथ, सिंघाजी, हरिदास, निरंजनी, कबीर के पुत्र कमाल तथा प्रमुख शिष्य धर्मदास का नाम भी संत काव्यधारा के कवियों में लिया जाता है। धर्मदास की रचनाओं का संतों में बहुत आदर है। इन्होंने कबीर का शिष्य बनने पर अपनी विशाल संपत्ति लुटा दी। ज्ञानमार्गी कवियों पर चर्चा करने के पश्चात अब हम ज्ञानमार्गी शाखा के काव्य की कुछ सामान्य विशेषताओं की ओर दृष्टिपात करेंगे। निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर वे बल देते थे। निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति सद्गुरु द्वारा मानते थे। ज्ञानमार्गी धारा के कवि भक्ति के अनुभूति पक्ष का चित्रण प्रधान रूप से अपने काव्य में करते थे। संत काव्य धारा के अधिकांश कवि अवर्ण थे। इन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा को सहा है, जिससे उनके काव्य में वर्ण व्यवस्था के प्रति तीव्र आक्रमण दिखाई पड़ता है। सगुण अवतारवाद और मूर्ति पूजा को उन्होंने व्यर्थ बताया। अधिकांश कवियों की भाषा सहज एवं लोक भाषा की ओर झुकाव है। इनके पदों में दोहे, चौपाई आदि छंदों का उपयोग हुआ है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतर साधना के साथ उनके दुरु प्रतीक शैली उलटबासी का प्रभाव मिलता है। आज निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानमार्गी शाखा पर तथा ज्ञानमार्गी धारा के प्रमुख कवियों पर हमने विचार किया। मेरे अगले वीडियो में प्रेमाश्री काव्यधारा एवं प्रेमाश्री काव्यधारा के प्रमुख कवियों पर मैं चर्चा करूंगी। धन्यवाद।